लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रायगढ़ के लोक नेता और पूर्व सांसद रामसेठ ठाकुर के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पनवेल बीजेपी लोक सेवा के तमाम उपक्रम चला रही है। आज बीजेपी पदाधिकारियों ने पनवेल क्षेत्र के कलम्बोली, नेरेपाड़ा और नवीन पनवेल के कई इलाकों में हजारों नागरिकों को खाद्यान्न किट का वितरण किया। इस अवसर पर अबोली महिला रिक्शा चालक संगठन की महिलाओं को भी जीवन आवश्यक वस्तुएं बांटी गई। बीजेपी पदाधिकारियों ने कहा कि कोरोना के इस आरोग्य संकट और आर्थिक तंगी में जरूरतमंद लोगों को सेवा और मदद मिल सके, यही उनके नेता रामसेठ ठाकुर का मकसद है, जिसे पूरा करने हम मदद का अभियान चला रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। लोक नेता रामसेठ ठाकुर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रायगढ़ बीजेपी जनसेवा के कई उपक्रम चला रही है। बीजेपी पदाधिकारियों ने आज इसी उपक्रम के तहत कलम्बोली और नवीन पनवेल के कई इलाकों में नागरिकों को राशन किट का वितरण किया। इसके साथ ही पनवेल के ग्रामीण इलाके नेरेपाड़ा में भी पदाधिकारियों ने अनाज बांटकर अपने नेता रामसेठ ठाकुर की जनसेवा को आगे बढ़ाया। इस अवसर पर महापौर कविता चौतमोल, सभागृह नेता परेश ठाकुर की उपस्थिति में अबोली रिक्शा चालक संगठन की महिलाओं को भी जीवन आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पूर्व सांसद रामसेठ ठाकुर एक जनसेवी और उदार नेता हैं। कोरोना काल में उनके जन्मदिन का जश्न की बजाय जरूरतमंदों की मदद और सेवा ही उनके लिए सच्ची शुभकामना है। गौरतलब है कि शिक्षक से राजनेता बने रामसेठ ठाकुर 1998 में कोलाबा संसदीय सीट से चुनाव जीतने के बाद से रायगढ़ में राजनीतिक मोर्चा संभाले हुए हैं। पनवेल तहसील में विकास को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने शिक्षा की अलग जगह कर नई मिसाल कायम की है। यही वजह है कि वे ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में बेहद लोकप्रिय हैं। बीजेपी कार्यकर्ता उनके इसी उदार व्यक्तित्व और मार्गदर्शन में रायगढ़ की जनता को मदद बांट रहे हैं। रामसेठ ठाकुर सामाजिक विकास मंडल की ओर से भी अपने नेता के जन्मदिन पर तमाम सामाजिक उपक्रम चलाए जा रहे हैं और लोगों की मदद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।